और शहरी क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी दावा मानती है उन क्षेत्रों में अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर भी मिलेंगे आपको। देखिए आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस में शामिल है, बिल्कुल ठीक है। और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे दूसरे जो स्टार प्रचारक आएंगे, वो कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान है उसको टारगेट करने से बचेंगे। सबसे जो मुख्य उनका जो टारगेट रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट पर रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। इस बार के हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव हैं वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के इतिहास को दोहराने की कोशिश करेगी, फिर से सत्ता पे काबिज होने की कोशिश करेगी, उसी जद्दोजहद में लगी है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने 10 साल के सूखे को तोड़ने की कोशिश करेगी और सत्ता में वापसी की पूरी कोशिश में, पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। उसके साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियां जिन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है गठबंधन करके दूसरी पार्टियों के साथ अपनी वापसी करने के लिए, इसी सबके दरमियान नित एक कुछ नए नए समीकरणों का जोड़ और तोड़ हो रहा है। कुछ समीकरण जुड़ रहे हैं, कुछ समीकरण जो है वो टूट रहे हैं। हर रोज कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं। उनमें एक बहुत बड़ी चीज आज सामने आई है कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। पिछले दिनों बहुत चर्चा थी राजनीतिक गलियारों में कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है इनका गठबंधन हो जाएगा, इनके गठबंधन में कहीं ना कहीं पेच फंसा और आम आदमी पार्टी ने बिना देरी किए 90 की 90 सीटों पर अपने जो उम्मीदवार हैं वो उतार दिए और वो पार्टी जो है आम आदमी पार्टी वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गई। अब आम आदमी पार्टी सुप्रीमो का अरविंद केजरीवाल का जमानत मिलना एक नया मोड़ ले आया है हरियाणा की राजनीति में। तो आज उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सतीश मेहरा जी, जो राजनीति के जानकार हैं, हरियाणा की राजनीति पर जिनकी अच्छी पकड़ है, उनसे बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सतीश मेहरा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र जी। मेहरा साहब, लोकसभा चुनाव हुए कुछ समय पहले, लगभग 5-6 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। हरियाणा में एक सीट थी, अलायंस था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, एक सीट थी जिसपे बड़ी जबरदस्त टक्कर रही है और नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र की सीट से भाजपा के जो उम्मीदवार थे वो बेशक जीते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहां पे एक बड़ी जबरदस्त टक्कर दी थी। लोगों का बहुत रुझान था उस तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ। अब क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी अलायंस करते करते फिर इंडिपेंडेंट जो है उन्होंने अपने 90 के 90 जो विधानसभा क्षेत्र थे उनमें अपने उम्मीदवार उतार दिए और अब उनके सुप्रीमो को अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना तो एक मतलब अलग तरह के समीकरण जो है बना रहा है। अब अरविंद केजरीवाल हरियाणा में आएंगे, प्रचार भी करेंगे और पूरा जोरदार प्रचार करेंगे। उनके प्रचार करने से या उनके हरियाणा में एंट्री करने से किस पार्टी को, जो बड़ी पार्टियों की मैं बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करूंगा, तो किस बड़ी पार्टी को जो है वो नुकसान हो सकता है? देखिए राजेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको जमानत मिली है जी, और सशर्त जमानत उनको सुप्रीम कोर्ट ने दी है। जी जी बिल्कुल। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो शर्तें पहले ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी और वही शर्तें लागू रहेंगी और अब उन्हीं शर्तों के तहत अरविंद केजरीवाल जी ऑफिस नहीं जा सकेंगे और किसी सरकारी फाइल पे डॉक्यूमेंट पे साइन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को पूरी आजादी रहेगी, बिल्कुल। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेल देते समय किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की। और चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा को अपना वो जो गृह स्टेट भी मानते हैं,
वहां यहाँ हरियाणा में पैदा हुए, अपने आप को हरियाणा का बेटा कहते हैं और हरियाणा की भाषा को संस्कृति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और निश्चित रूप से उनकी पार्टी जो 80-90 सीटों पर चुनाव हरियाणा में लड़ रही है और एक धुरंधर प्रचार के साथ चुनाव मैदान में उनकी पार्टी उतरी है और वो खुद भी अच्छा प्रचार करने हरियाणा में आएंगे और स्वाभाविक है ये तो। हाँ बिल्कुल, बट ऑब्वियस सी बात है वो आएंगे। केजरीवाल है जो बड़े अच्छे ओरेटर भी हैं और खासकर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है और जो हरियाणवी जो लहजा है उस लहजे में भी बात करते हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र को अपनी बात समझाने में पूरी तरह वो सक्षम है और उनका प्रभाव क्या पड़ेगा बात ये देखने वाली है। हरियाणा में फिलहाल दो पार्टियां मुख्य रूप से चुनाव मैदान में हैं, बाकी तो रीजनल पार्टियां भी ये समझौते INLD और जसपा ने भी अपना अपना समझौता किया, लेकिन अभी तक जो लब्बो लवाब जो निकल के आया है तो बाइपोलर चुनाव की तरफ माहौल जो चुनावी माहौल है वो जी है। अच्छा, तो बाइपोलर चुनाव में अभी 20 में आम आदमी पार्टी भी आ पहुंची है। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पार्टी से पहले 5-7 दिन पहले तक समझौता होने की बात चली थी, काफी इनकी जद्दोजहद हुई, कशमकश हुई, काफी मीटिंग हुई, लेकिन अल्टीमेटली समझौते में कहीं नहीं हो पाया, तो अब इंडिपेंडेंटली वो चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो ये नुकसान किस पार्टी को होगा ये बात देखने वाली है। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र जो विशेष रूप से दिल्ली के आसपास लगता हुआ शहरी क्षेत्र है, चाहे गुड़गांव की बात करें, चाहे हम फरीदाबाद की बात करें, तो दिल्ली का जो साथ में लगता हुआ जो हरियाणा का शहरी क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली का प्रभाव है। जिस प्रकार से भारी बहुमत से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार चला रही है उसमें कहीं ना कहीं दोनों जो शहरी क्षेत्र जो हरियाणा के आते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव है। और भारतीय जनता पार्टी जो सबसे अधिक दावा अपने जो जीत का दावा है वो शहरी क्षेत्रों में मानती है। अच्छा, और शहरी क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी दावा मानती है उन क्षेत्रों में अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर भी मिलेंगे आपको, चाहे छोटा व्यापारी हो जी, चाहे छोटा दुकानदार हो, छोटे प्रकार का जो रेडी खोमचे चलाने वाले लोग हों वो कहीं ना कहीं दिल्ली से प्रभावित हैं वो लोग, तो वो अरविंद केजरीवाल के समर्थक वहां होंगे। अगर शहरी क्षेत्रों में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा इसमें। अच्छा, और जैसे आपको पता है 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 40% वोट से अपने जीत दर्ज की थी जी, और 40 सीटें आई थी और यूपीए ने जो कांग्रेस जिसमें शामिल है 31% वोट हासिल किया था और इसमें शहरी क्षेत्र का बड़ा योगदान था। तो शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचाएंगे। ओके, अब तक के समीकरण मैंने जो सुने हैं लोगों से बात चली कि जब भी इन लोगों ने अलग अलग अपना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जब भी अलग अलग चुनाव लड़ा है तो कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है उसका कांग्रेस पार्टी को हुआ है, पर आज आप ये कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी वो भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दे सकती है। ठीक है, मुझे एक चीज और बताइए कि अरविंद केजरीवाल अगर ये करते हैं, चुनाव करते हैं, तो कौन सी पार्टी उनके टारगेट पर रहेगी? और अभी आपने एक बात कही कि वो कहीं ना कहीं शहरी जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा उसका आम आदमी पार्टी के आने से, तो मुझे थोड़ा सा वो चीज भी, मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों को, हमारे दर्शकों को ये चीज पता चल जाए, उनको थोड़ा डिटेल से समझा दीजिए प्लीज ये चीज। देखिए, आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस में शामिल है वो, बिल्कुल ठीक है। और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे दूसरे जो स्टार प्रचारक आएंगे, वो कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान है उसको टारगेट करने से बचेंगे वो। हरियाणा में कांग्रेस को टारगेट कर सकते हैं लेकिन मुख्य जो टारगेट पे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने
10 साल तक शासन चलाया है हरियाणा में, और 10 साल की जो उनकी नाकामियों को या जो कमियां रही हैं भारतीय जनता पार्टी उनको एक्सपोज करने में सबसे ज्यादा तवज्जो आम आदमी पार्टी की वहां रहेगी। कांग्रेस ने जो पीछे 60 साल की बात करते हैं सारे भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी भी करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो अपने जो पीछे रखेंगे। हाँ, इस चुनावों में वो सब चीजें वो सब बातें शायद ना हो। सबसे जो मुख्य उनका जो टारगेट रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट पे रखेंगे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की, बट ऑब्वियसली 10 साल राज किया और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपने चुनाव को जो मुद्दों पे लाने की कोशिश करेगी, चाहे वो बिजली फ्री की बात करते हैं, चाहे और दूसरी तरह की जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, एजुकेशन की बात, शिक्षा की बात करते हैं, उन मुद्दों पे चुनाव लड़ने की का प्रयास करेगी। और दिल्ली में भी ऐसा किया है, शिक्षा स्वास्थ्य और बिजली पर और दूसरे जो अन्य जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पे जो फोकस रखती है और उनको मुद्दा उन मुद्दों को जनता के बीच में लेकर जाती है और दिल्ली के लोगों ने स्वीकार किया उनको। इससे चीज बड़ी क्लियर होती है, चीज मुझे समझ आती है कि चाहे सीटों पे उनका अभी चुनाव से पहले गठबंधन नहीं हो पाया, पर अगर आम आदमी पार्टी अच्छी सीटें या जितनी भी सीटें ले जाने में कामयाब होती है कांग्रेस भी, तो कहीं ना कहीं फायदा जो होगा अल्टीमेटली कांग्रेस को होगा, क्योंकि अलायंस अगर इनका होगा आम आदमी पार्टी का तो वो कांग्रेस से ही हो सकता है इंडिया गठबंधन की नीतियों के तहत, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो क्या इस चीज का फायदा कांग्रेस को ही होगा? निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं, अगर इनका दोनों पार्टियों का अलायंस होता तो दोनों पार्टियों को फायदा होता, लेकिन अब नुकसान की बात है, नुकसान किसको ज्यादा होगा और आम आदमी पार्टी किसको टारगेट पे रखेगी, वो स्वाभाविक रूप से जो पिछले जो वर्तमान में सरकार है जिसने 10 साल सरकार चलाई है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टारगेट पे रखेगी। केजरीवाल को टारगेट करना भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, शहरी क्षेत्र की मैंने बात की है तो शहरी क्षेत्र में ज्यादा डेंट आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएगी, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में मैं समझता हूँ आम आदमी का पार्टी का बहुत बहुत कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि ये जो 2024 का विधानसभा का चुनाव वो कहीं ना कहीं जाट और नॉन जाट के बीच में चुनाव बिल्कुल ठीक लड़ा जाए। जाट और नॉन जाट के बीच में चुनाव लड़ने से और जो नॉन जाट का वोटर है वो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। लेकिन एक समीकरण आप बिठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है जीत के बाद अलायंस करेंगे, दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टियां भी तो हैं, जहां हमारे पास इनेलो है वहां जजपा है, उनका अलायंस जो है अल्टीमेटली इनेलो का जो अब तक का इतिहास रहा है उनका जो अलायंस रहा है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पास होता है, तो इनको टक्कर देने के लिए वो क्षेत्रीय पार्टियां भी तो बैठी हैं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी। देखिए ऐतिहासिक तथ्यों को देखा जाए तो जो हरियाणा में जो रीजनल पार्टियां चुनाव लड़े उन्होंने कभी कांग्रेस के साथ वो नहीं रही। वो पीछे इतिहास गवाह इस बात का, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके उन्होंने चाहे NLD हो चाहे JJP हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, उन्होंने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार चलाई और सरकार बनाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो जैसे दिल्ली में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने, तो कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी थी, हालांकि वो पूरा टर्म नहीं वो पूरा कर पाई। और अभी भी अगर इंडिया अलायंस की बात करो, नेशनल लेवल पे आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में है, बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये लगता है इस हरियाणा में जो उनका जो चुनाव का जो योगदान होगा चुनाव में, उनका कांग्रेस के साथ एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे। ठीक एक फ्रेंडली मैच की तरह ये रहेंगे। और जब भी जितनी भी उनके सीटें आई हरियाणा विधानसभा में जितनी भी सीटें जीत पाई, ये हम आंकड़ा हम अभी नहीं कह सकते लेकिन जितने भी विधायक बढ़ पाए उनके जितने भी सीटें वो आम आदमी पार्टी जीत पाई, तो विधानसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ खड़ी दिखेंगी। एक मुझे कुछ और भी चीजें नजर आ रही हैं कि
जो बढ़िया वोट या छोटे व्यापारियों की वोट रही है या वैश्य जो वोट कहते हैं वो जनरली वो वोट रहा है भारतीय जनता पार्टी का। पर पिछले 10 साल के शासन के दौरान बहुत सी ऐसी नीतियां, बहुत सी ऐसी दिक्कतें रही हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं छोटा व्यापारी जो है और खास करके बढ़िया समाज जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी जो है वो इस समाज को सोधने की कोशिश करेगी? क्योंकि अगर मैं केजरीवाल की बात करूं पर्टिकुलरली, तो वो बढ़िया समाज से संबंध रखते हैं, तो क्या उस चीज का फायदा आम आदमी पार्टी को कहीं हो सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए, जो छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, जो छोटे जो रेडी भोमजे वाले काम करने वाले लोग हैं, और जो मैं पर्टिकुलरली व्यापारी वर्ग की बात कर रहा हूँ, मैं बनिया समाज की बात कर रहा हूँ, हरियाणा में क्या पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूँ तो नोटबंदी के दौरान चाहे लॉकडाउन के बाद उनका व्यवसाय टूटा है। और जीएसटी का जो सिस्टम केंद्र सरकार ने वो सेटअप किया है वो जीएसटी को भी अडॉप्ट बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाई, उससे भी कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी में, छोटे दुकानदार में नाराजगी है। और इसी नाराजगी जो है ये बात केजरीवाल जी कहीं ना कहीं हर जो सार्वजनिक मंच है वो उठाते रहे, इन लोगों को अपनी ओर करने के लिए इनकी बात करते रहे, चाहे किसी तरह का फायदा देने के लिए बात करते हो छोटे व्यापारी का, छोटे दुकानदार का, और कहीं ना कहीं इनका इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ज्यादातर लोग वैसे समुदाय से हैं, बढ़िया समुदाय से हैं, और दूसरे भी जो व्यापार करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं इसी समुदाय से उनको जुड़ा हुआ माना जाता है। और केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जो है, इन लोगों के बलबूते पर अब दिल्ली में भी राजनीति करते हैं। बिल्कुल ठीक। और इसीलिए तीन बार जो सरकार के अरविंद केजरीवाल ने बनाई है, छोटे दुकानदार के बलबूते पे, छोटे व्यापारी के बलबूते पे, और जो ऑटो रिक्शा जो चालक हैं और दूसरे जो छोटे रिक्शा चालक हैं उन लोगों को साथ जोड़ के बनाई है। और ज्यादातर प्रवासी जो मजदूर हैं, प्रवासी जो लोग दिल्ली में बसे हुए हैं, वो ज्यादातर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि फरीदाबाद और गुड़गांव में भी ज्यादातर जो प्रवासी हैं लोग हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के वोटर से प्रभावित है। इसलिए कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी वो हरियाणा में ज्यादा जो कम नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएगी और ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को। तो नटशेल आपके अकॉर्डिंगली ये जो इस बार के इलेक्शन होंगे विधानसभा इलेक्शन, हरियाणा में आम आदमी पार्टी जो इंडिपेंडेंट इस समय अलग से लड़ रही है, किसी के साथ गठबंधन में नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कम और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। सो दोस्तों, ऐसे समय पे अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना अपने आप में एक नए समीकरण पैदा करेगा। आम आदमी पार्टी क्या करिश्मा करती है इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा में, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर, वो जो है वो नुकसान कांग्रेस को पहुंचाती है या भारतीय जनता पार्टी को, यह सब अभी भविष्य के गर्भ में है। सो दोस्तों, ये सब चीजें जानने के लिए आप देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपका भी। थैंक यू। थैंक यू सर।